बीमारी थी, शुगर भी कंट्रोल में नहीं थी। मेरी बेटी मंजू देवी ने कहा कि मम्मी शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, सुना। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। हम बीपी की दवाई खाते थे, शुगर की दवाई खाते थे, हार्ट की दवाई खाते थे, कई सालों से चल रहे थे। लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए पर वो आराम नहीं लगता। कथा सुनना प्रारंभ करी, मन करा बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और पशुपति नाथ का व्रत करा। हम बाबा से प्रार्थना करने 2 बार सीहोर धाम भी पहुंचे और बाबा की कृपा ऐसी हुई, वहां पर वृक्ष मिलाए, कंकर मिलाए और बेलपत्र का प्रयोग किया। आज बाबा की कृपा से एक भी दवाई खाना नहीं पड़ती। मेरा हार्ट बीपी और शुगर सब दवाई में है, जो बाबा का धन्यवाद है। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को और श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे दिल की कामना पूरी कर दी। कारोबार बुढ़िया में शिव पुराण की कथा है। कई बार आता श्री शिवाय शिव तत्व है। एक दिल से बाबा से और मेरी दीदियों सुनो, सेठावालियों अच्छे से भीड़ भरे हो, जगह में ना मिले तो भी उसके दरवाजे तक जाते रहो, वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। भीड़ भरे बहुत